मुझे माफ कर दो अक्षय, I'm really sorry. मैं जानती हूँ तुम अनजाने में भी यश को कभी हर्ट नहीं कर सकती. नहीं दीदी, हर्ट तो किया है हमने उसे, गलती गलती होती है. ऐसे तो अक्षरा हमसे भी गलती हुई है ना. सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, मुझे तो शायद माफी मांगने का भी हक नहीं है. भाभी, मैंने ना ही आप पर इल्जाम लगाया बल्कि आपसे तो बदतमीजी से बात भी की. एक हार के लिए मैं इतना दुखी हो गई कि कितनी रिश्तों को दुख पहुंचा दिया. सच तो ये है भाभी, हमने आपकी इच्छा का सम्मान नहीं किया. देखा जाए तो हमने दद्दा जी की भी इच्छा का सम्मान नहीं किया. दद्दा जी ने आप पे भरोसा किया, आप पे विश्वास रखा, तो वो भरोसा वो विश्वास हमारे मन में क्यों नहीं आया? कमी आपके करने में, कमी हमारे सोच में, दोस्ती में, एक जमाई के हक में. तेरी प्लेट से जबरदस्ती कचौड़ियां छीन लेता था मैं, लेकिन आज दोस्त ने इतने प्रेम से कुछ दिया तो मेरा ईगो बीच में आ गया. आज सही मायने में अक्षय तृतीया मनी है हमारे घर में. इससे ज्यादा बरकत और क्या हासिल हो गया ऐसे दिन पे. हाँ भाभी, आज सच में नए रिश्तों की शुरुआत है. परमात्मा की कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे, ये रिश्ते इसी तरह मजबूत रहे. वाओ, सबकी बट्टी हो गई. हाँ, सबकी बट्टी हो गई और वो भी पक्की वाली. ये! अरे अच्छा बट्टी हो गई, अच्छा रो लो. नैतिक, एक मिनट एक मिनट. अरे कितना खाएगा गोलू, खा खा के गोल हो गया. बस कर. बिल्कुल नहीं मोए, नैतिक अब पतला हो गया. तूने मुझे बहुत लूटा. अरे आज ना, आज तो मैं लड्डू खा के रहूंगा. तूने हमेशा मेरे पराठे कचौड़ी सब खाया. अरे नैतिक, अच्छा एक मिनट एक मिनट, देख लड्डू टूट जाएगा ना, तू खा पाएगा ना मैं. एक सेकंड खाइए खाइए, अपने हिस्से का हम लोग अपने भाई को खिला देंगे. देखा, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ. मतलब मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो. देखिए, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, क्यों ना हम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएं जिसमें आप तीनों भाई बहन शामिल. और ये बात मैं दद्दा जी को तभी बताऊंगी जब आप सब लोग राजी होंगे. शरा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है. अब इसमें तुझे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना मोहित? देखिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जैसा आप लोग ठीक समझे. जी, और घर में भी हम जैसे हर चीज के लिए डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं, वैसे ही बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं. मुझे मंजूर है. मुझे भी मंजूर है. तो फिर इसी खुशी की बात पर चलिए घर चलकर ना एक बढ़िया सा नाश्ता करते हैं. यश, आप भी चलोगे? हाँ मामा जी. हाँ ठीक है ठीक है. वैसे मैं और नंदनी एक फिल्म देखने जा रहे हैं. मैं भी चलूंगी. अरे अभी याद आया, मुझे तो थोड़ा ऑफिस का काम है. नहीं शौर्य बेटा, हमारा मन नहीं. ऐसा करो, तुम और ओमी हुआ दफ्तर में पूजा करके स्टाफ में मिठाई भी बंटवा देना. जी बाबू जी. अक्षरा, हेलो. राधे कृष्ण बाबू जी, तीज बहुत बहुत मुबारक हो आपको. आपको भी बेटा, इस नई शुरुआत के दिन आप सबके जीवन में नए नए शुभ आरंभ हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी. लगता है बाबू जी ईश्वर ने आपकी सुन ली. अच्छा, आपकी तीज की पूजा हो गई क्या? कैसा रहा सब? बहुत अच्छा रहा बाबू जी, सबने मिलकर पूजा की. दीदी,
रश्मि मोहित जी सब आए थे, बहुत मजा आया। अच्छा, भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हाँ, सब ठीक हो गया। अरे अरे समझ गया अरे लल्ला गिर गया। अरे बच्चे हो घर में तो कैसी रौनक रहती है। हाँ भाभी माँ, अब तो स्कूल की छुट्टियाँ हैं इसलिए रौनक है। एक बार स्कूल शुरू हो गए फिर से चुप्पी। हाँ, इसीलिए इन्हें टोकती नहीं। वैसे भी परसों तो आ रही है इनकी बड़ी वकील, वो तो मुझे कुछ टोकने ही नहीं देखी। टिक्की की छुट्टियाँ शुरू हो गई कल से भाभी माँ, वो ना आया था उसका। मैं खुद उसे लेने जाऊंगा, सरप्राइज हो जाएगी वो। हाँ बेटा खुश हो जाएगी। वैसे इतने सालों में हमारे दिलों में कैसे जगह बना ली है ना चीकी ने। अब तो लगने लगा है कि इस घर की चार बेटियां हैं। तेरे एक्सीडेंट के बाद बेटा एकदम से इतनी बड़ी हो गई, इतनी समझदार। तू जानता है जब छुट्टियों में आती थी ना तो रोज बस तेरे पास बैठा किया करती थी। हाँ माँ, घुमा के बाद जब मैं उसे मिलने गया तो बहुत खुश हुई, गले लग के रोने लगे। अपने सारे फ्रेंड्स को ना उसने ट्रीट भी दी। सच, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि वो दिल से जुड़े होते हैं। ऐसा रिश्ता है हमारा चिक्की से। और वैसे भी पढ़ाई में तो आ नहीं पाती है, लेकिन इस बार हम उसकी छुट्टियों को बहुत स्पेशल बना देंगे, है ना? हाँ, हाँ, इस बार जब चिक्की आएगी ना तो फिर उसके लिए ना हम लोग आप तो बहुत मजा आएगा। यश पापा कब आ रही है? परसों आ रही, हम जाएंगे उन्हें लेने। मैं भी लेने चलूंगा उनका पापा, प्लीज। नहीं बेटा, बाहर बहुत धूप है और उसका हॉस्टल भी बहुत दूर है बेटा। मुझे भी दूर दूर घूमने जाने, मेरे फ्रेंड्स हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते, बस मैं ही एक अकेला जो कहीं नहीं जाता, हमेशा यहीं रहता हूँ। अच्छा ठीक है, अब दोल गप्पे जैसे मुंह मत बना, तुम भी साथ में चलो। जादू ये क्या
सुषमा नाश्ते में क्या बनाया? खिचड़ी। खिचड़ी इस समय? बस ऐसा करो, मुझे एक चाय दे दो, दो बिस्किट। खिचड़ी का भी मन नहीं है बिल्कुल। मैंने बनाया है पापा, और आप फिर भी नहीं खाओगे? मेरा पापा का बिल्कुल मन नहीं है। थोड़ा सा तो खा ले शौर्य बेटा। हाँ बेटा प्लीज, पापा का बिल्कुल भी मन नहीं। अरे बेटा, तुम अपनी माँ से जिद कर सकते हो, अपनी पत्नी को साफ मना कर सकते हो, लेकिन बेटियों के आगे किसी भी पिता का बस नहीं चलता। आपकी बॉडी इतनी गर्म क्यों है पापा? आपको फीवर है क्या? अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। अरे इसलिए आपका खाने का मन नहीं था ना पापा? सॉरी पापा। नहीं बेटा, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपने पापा को खाना खिलाया ना, इससे पापा को वीकनेस नहीं होगी। हाँ, पर आपको फीवर तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? अगर फीवर और बढ़ जाता तो गंदी बात। पापा चलिए आप अपने रूम में जाके रेस्ट करिए। मम्मा आप ना पापा को बुखार की मेडिसिन दे देना, ओके? हाँ बेटा। मैं आपको रूम में लेके जाती हूँ, चलो। उसे जब भी पूछो क्या खाया तो कहेगी हरी सब्जी और पीली दाल। और हमें थमाएगी लंबी चौड़ी लिस्ट कि मुझे घर का ये खाना है, वो खाना है। हाँ, बहुत कुछ बनवाएगी और फिर खाएगी चिड़िया की तरह चुक चुक के, खास तौर पे ये घर का खाना। लेकिन उसे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है और ब्राउनी भी, वो बहुत शौक से खाती है। लेकिन बेटा हमें तो घर के खाने के अलावा कुछ बनाना नहीं आता, हम तो बस मठरी और लड्डू ऐसी चीजें ही बना सकते हैं। मैं बना दूंगी ना माँ, और भी उसे जो जो अच्छा लगता है वो सब बना दूंगी। वैसे भी साल में एक ही बार तो छुट्टियों पे आती है वो यहाँ पे। मुन्ना छोड़ा है यश को? पूछे मत माँ, ये लोग कितना भी साथ में रह लेना, लेकिन जब अलग होने की बात आती है तो बस इन लोगों का नाटक शुरू हो जाता है, और फिर ऐसा मासूम चेहरा बनाते हैं कि सामने वाले को ना तरस आ ही जाए। लेकिन इन लोगों की ओवर एक्टिंग पकड़ी गई। वैसे नैतिक, मैं सोच रही थी आज थोड़ी देर बाद ना मार्केट चलते हैं, चिक्की के लिए कुछ चीजें ले लेते हैं। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, मुझे भी चिक्की के लिए ना कुछ गिफ्ट लेने। मुन्ना हम लोग कुछ अच्छा सा सरप्राइज रखें चिक्की के लिए। हाँ ठीक है माँ, आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ। ठीक है, आप लोग सोचते रहिए, तब तक मैं ब्राउनी के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब इकट्ठा करती हूँ। हाँ। और भी उसे जो जो पसंद है ना सब किचन में ला के रख देती हूँ। क्या हुआ? मैं चिक्की बहुत से बहुत प्यार करता हूँ सच्ची में। हाँ वो तो शक्ल से दिखाई दे रहा। नहीं नहीं नैतिक, सच में ये बहुत प्यार करता है चिक्की बुआ से, और उनके आने की खुशी में सच में बहुत खुश है। और चिक्की बुआ तो हमेशा की तरह इसके कमरे में रहेंगी, इसे अपनी स्टोरीज सुनाएंगी और भी बहुत कुछ। तो इस बार नहीं। क्यों, क्या हुआ लल्ला? जब भी वो छुट्टियों में आती है तो तेरे कमरे में ही तो सोती है ना फिर? क्यों बेटा, जब कमरे की बात आई तो प्यार गायब? वो बात नहीं है दादी, पर अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ ना, बुआ मेरे रूम में नहीं रह सकती है। लेकिन क्यों ना, क्या हुआ? मैं बॉय हूँ और वो गर्ल, मैं उनके सामने अभी चेंज नहीं कर सकता। बस इतनी सी प्रॉब्लम है? तो ठीक है ना नैतिक, एक काम करते हैं, चिक्की को हम अपने साथ कमरे में रखेंगे, हमारे साथ रहेगी वो। हाँ अक्षर, फिर मैं और चिक्की ना खूब सारी वीडियो गेम खेलेंगे, और फिर नक्श तो वहाँ पर होगा नहीं क्योंकि वो अकेले अपने कमरे में होगा, अब ये बिग बॉय है। नहीं नहीं, मैं खाली चेंज करने में बिग बॉय हूँ, वैसे तो मैं नन्ना मुन्ना सबको क्यूट सा बेबी हूँ। ओह
इनकी तबीयत कब से खराब है? जी कल रात से। माँ का फोन है। अच्छा, माँ को मत बताना वरना माँ बेकार में परेशान हो जाए। हेलो राधे कृष्ण माँ, कैसी हैं आप? राधे कृष्ण बेटा मैं ठीक हूँ, तुम लोग वहाँ कैसे हो? सब ठीक है ना घर में? आज पता नहीं क्यों बहुत हिचकी आ रही है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत याद कर रहा हो मुझे। माँ आपको तो सब लोग याद करते हैं और वो भी हर वक्त, बस ऐसे अलग से। अच्छा जरा शौर्य से बात तो करवा मेरी। माँ वो तो ऑफिस निकल गया है क्या? चल कोई बात नहीं, मैं उसके मोबाइल पे फोन कर लूंगी, जरा कुछ टिकट के बारे में पूछना था। माँ वो अपना मोबाइल तो यहीं छोड़ गए हैं, मेरे सामने ही रखा है। अरे माँ वैसे तो वो दरअसल ऑफिस भी नहीं गए हैं, पास में एक मीटिंग थी ना, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही वो मुझे फोन करते हैं ना मैं उनसे कहती हूँ कि वो आपसे बात कर लें। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, वैसे भी यहाँ से तो कल ही निकलना है ना। जी माँ वो अनन्या मुझे बुला रही है, मैं बाद में फोन करूँ? हाँ बेटा जा, सुन मेरा प्यार देना अनन्या को। हाँ जी जी माँ, बाय बाय। क्या कह रही थी बड़ी बहू? कह रही थी कि उनको बहुत हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, जब भी पहले बीमार होता था ना तो माँ हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। दुगु चलो बेटा। बहू और कुछ करना है तो बता दे। हाँ बेटा, दीदी के वेलकम के लिए अगर कुछ तैयारी बची हो तो बोल दे। नहीं नहीं माँ जरूरत नहीं है, सब हो गया, केक भी बन गया है। अब यो आई एम रेडी माओ। अक्षरा ये हीरो कौन है? मैं हूँ पापा। अरे नक्ष तुम, मैं तो पहचाना ही नहीं, वैसे ये लुक चेंज किस लिए भाई? दरअसल एक बार माँ और बाबूजी चिक्की से मिले, हॉस्टल गए थे, ये भी साथ में गया था, तो वहाँ लड़कियों का इतना टेंशन मिला कि बस तब से यही हाल है। क्या बात है, हमारा बेटा मुझ पर गया है, सही जा रहा है। बिगाड़िए बिगाड़िए कोई नहीं, जब शिकायतें आएंगी ना तो आप ही संभालिएगा। चलो बेटा अब तुम्हें निकलना चाहिए। जी माँ हम निकलते हैं। उई मैं अभी आई मामा। क्या हुआ? कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो दादी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची, बस तेरी बहुत याद आती है। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, इसलिए तो आपको फोन किया। अब कब आओगी? अभी तो बहुत दिन है बेटा। ओ क्यों, क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? अनन्या बेटा बोल ना, बता ना मुझे सब ठीक है ना घर में? देख नहीं बताएगी तो तेरी दादी बहुत परेशान हो जाएंगी। अब परेशान हो दादी? हाँ बेटा अब एक दो दिन से मन बहुत परेशान है। नहीं दादी अब परेशान मत हो, मैं आपको बताती हूँ। चल पापा। नहीं पहले बताओ क्या बात है? नहीं कुछ नहीं मम्मा। नहीं सच सच्ची बताओ क्या हुआ, आप दो बार जाकर आए हो, बोलो। नहीं वो मैंने परफ्यूम नहीं लगाया था ना इसलिए। परफ्यूम? वो छोड़ो ना पापा, चलो जल्दी चलते जरूरी। नहीं बेटा पहले बताओ। मेरा पेट खराब हो गया है। देखा मैंने कितना मना किया था लेकिन आप मेरी बात सुनते नहीं हो ना, कितना कहा था मैंने कि मिठाई मत खाओ इतनी। सॉरी मम्मा। अब कैसे आओगे आप हमारे साथ? मैं जाऊंगा मम्मा, मैं कंट्रोल कर लूंगा, आप चलो। नहीं नहीं नक्ष बिल्कुल भी नहीं, आप इस हाल में कहीं नहीं जाओगे, आप घर पर ही रहो, मैं डॉक्टर अंकल को फोन करता हूँ तो आपको घर पर देख कर जाएंगे। ओके
तू चिंता मत कर बेटा, अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं ले जाऊंगी डॉक्टर साहब के पास। तू घर पे रह, हाँ तू आराम कर। नहीं नहीं मुझे जाना है पापा प्लीज। नहीं बहुत लंबा रास्ता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाँ लल्ला तू घर पे ही रह, मैं तुझे चूरन दूंगी यम्मी वाला, फिर तू ठीक हो जाएगा। नहीं दादी प्लीज। नो नक्ष, बिल्कुल भी नहीं, एंड दैट्स फाइनल। ठीक है फिर मैं यहीं रुक के बुआ का वेट कर लूंगा। गुड बॉय, आप यहाँ पे आराम करो, हम जल्दी से आते हैं। अरे फिर आया ना, जाओ भागो 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 भागो। बहू तो चिंता मत कर, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मैं इसे देसी दवा देती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।